हमारा प्यारा भारत देश शुरू से ही त्योहारों का देश रहा है, इसलिए यहाँ पर अलग अलग परंपरा, धर्म और प्रांतों में डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी भारतीय संस्कृति एक ही रही है। सभी प्रांतों में अलग अलग ढंग से त्योहारों को मनाया जाता है जो साल दर साल आते रहते हैं। उन्हीं में से एक है रक्षाबंधन का त्यौहार। भारतीय धर्म संस्कृति के अनुसार रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्यौहार भाई बहन को पवित्र स्नेह की डोर में बांधता है। इस दिन बहन अपने भाई के माथे पर टीका लगाकर रक्षा का बंधन उसकी कलाई पर बांधती है, जिसे राखी कहते हैं। यह त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने की शुरुआत की कहानी पौराणिक काल महाभारत काल से मानी जाती है, श्री कृष्ण जी और द्रौपदी जी की कहानी से। जब युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में राजा शिशुपाल ने आकर भीष्म पितामह और श्री कृष्ण जी का अपमान किया तो श्री कृष्ण जी ने अपने सुदर्शन चक्र से राजा शिशुपाल का वध कर दिया था। इस युद्ध के दौरान श्री कृष्ण जी की उंगली में गहरी चोट आई थी, जिसे देखकर द्रौपदी ने अपने वस्त्र का एक टुकड़ा फाड़कर श्री कृष्ण जी की घायल उंगली पर रखकर खून बहने से रोक दिया था। भगवान श्री कृष्ण को द्रौपदी के इस कार्य से बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने उनके साथ एक भाई बहन का रिश्ता निभाया। वहीं श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी से यह भी वादा किया कि समय आने पर वो उनके इस कपड़े के एक एक धागे का ऋण जरूर उतारेंगे। कई वर्षों बाद जब पांडव कुरुराज सभा में जुए के खेल में द्रौपदी को हार गए, तब कौरव का राजकुमार दुशासन द्रौपदी का चीरहरण करने लगा, तो द्रौपदी ने अपने भाई श्री कृष्ण जी को अपने रक्षा के लिए मन ही मन याद किया। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी की रक्षा की और उनकी लाज बचाई थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तब से ही निस्वार्थ भाव से हाथ पर बांधा गया यह धागा भाई बहन के पवित्र बंधन और रक्षा का प्रतीक बन गया, जो रक्षाबंधन कहलाया। ये भाई बहन के अनुपम प्रेम और रक्षा की कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। और मेरे इस पेज को स्टार रेटिंग, फॉलो, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे ऐसी और वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।